Kuruş Osman Urdubay ATV Co. Subscribe KG'ye. अजीम कैसर, मेरी पहली कार्रवाई कले में से नालायक लोगों का खात्मा है। आपके लिए आखिरी कार्रवाई करना मेरे लिए एहसास होगा। बुज़दिलों से नफरत है मुझे। शहंशाह के वफादारो, इरिगोल के नए तकफोर, आया निकोला के आगे झुक जाओ। अब कले से बाहर के दुश्मनों की बारी है। बहुत जल्द मेरे फैसलों की बदौलत और हेलेन की मदद से इस सरजमीन पर एक नया रोम उभरेगा। हजरत ईसा आपकी हिफाजत करें, आप सलामत रहें। वो हम सब की हिफाजत करें, हम सब की। बाला, ये तुम क्या कर रही हो? बाला, मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकती। चलो आ जाओ, बैठो। आप उस दसरखान से कैसे खा सकते हैं जिसे मैंने तैयार ना किया हो? उस्मान, आप जंग से भी थके हुए हैं, बराए मेहरबानी मुझे इस शर्फ से महरूम ना करें। मेरा चांद, मेरा गुलाब, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर तुमने मुझे बहुत बड़ा शर्फ बख्शा है। दस्तरखान वैसे अच्छा सजाता हूं मैं। चलो आ जाओ मेरी जान, बैठो। उस्मान साहब, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ।
खैरियत है? अर्तुरुल साहब, उनकी तरफ से खबर आई है। दुंदार साहब ने अपने खेमे में बुलाया आपको। मेरे उस्मान, सब खैर होगी उस्मान? बाबा आने वाले होंगे, वो आने वाले होंगे। जाओ जाकर कपड़े लेकर आओ फौरन। बाबा की तरफ से क्या खबर आई है चाचा? चौबानो लार के यावला हसन के पैगाम रसा कोजगोन साहब। खुश आमदीद कोजगोन साहब। मैं अर्तुरुल साहब की खबर लाया हूं। मेरे बाबा की तरफ से खबर आप लेकर आए हैं, अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया उस्मान साहब। यावला अरसलान और अर्तुरुल साहब कास्तो मोनो में मुलाकात करेंगे और बाजंतीनी धमकियों के बारे में बातचीत करेंगे। अर्तुरुल साहब बादम भूखों के करीब इंतजार कर रहे हैं। भाईजान ठीक हैं? काफिरों के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो फिर वक्त जाया किए बगैर रवाना होते हैं। अर्तुरुल साहब ने सिर्फ उस्मान साहब को बुलाया है, मुझे यही हुक्म मिला है। सरदारों के सरदार यावलक अरसलान उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी के साथ कलूजा हिसार को फतह किया। अर्तुरुल साहब चाहते हैं कि आप कल सुबह तुलू के वक्त रवाना हो जाएं। आप खुशखबरी लेकर आए हैं कुजुन साहब, आपने हमें शाद किया। शुक्रिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तुम्हें कैलिकन दरिया का पता है फलातियोस? ये वही दरिया है जहां से शहंशाह कैसर रोम को फतह करके शहंशाह के तख्त पर विराजमान हुए थे। शहंशाह नहीं बल्कि अजीम शहंशाह, उन्हें लोग अपना सब कुछ समझते थे। और मेरा कैलिकन दरिया इस सरजमीन पर है, सकरिया दरिया। जब वक्त आएगा तो मैं अपनी फौज के साथ इस दरिया को पार करूंगा और वो दरिया फलातियोस मुझे एक दिन रोम के तख्त तक लेकर जाएगा।
क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था तो सकरिया दरिया में मेरा इस्तबाक हुआ था? उस दिन से आज तक दुनिया के तमाम दरिया मेरे अंदर बहते हैं। बिल्कुल जौलस कैसर की तरह। तुम्हें लगता है कि तुम इनसे मुशाबिहत रखते हो? हमारे दरमियान कोई फर्क नजर आता है तुम्हें? नहीं, इसमें क्या है? सोत में जो दर्द मैं फैलाऊंगा वो इस संदूक में है। पहले सोत, फिर काराजा हिसार। तुर्कों के पास जो भी मकामात हैं हर उस जगह सिर्फ और सिर्फ खून की हुक्मरानी होगी, और उसके बाद हमारी फतह का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। हमारी फतह के नाम अर्तुरुल साहब ने उस्मान को बुलाया है, क्या आप इस वजह से मुतजस्सिस हैं हुजूर? तुम्हें लगता है कि वो मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे वो आपको दुंदार साहब? क्या आप अर्तुरुल साहब के भाई नहीं हैं? और कबीले के मुअज्जिज सरदार नहीं हैं? अल्लाह मेरी जिंदगी ले ले और वो मेरे भाई को दे दे, लेकिन पता नहीं कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा, यही सोच रहा हूं। वो सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है। अगर उन्हें कुछ करना होता तो हमें अब तक पता चल चुका होता। और वैसे भी अर्तुरुल गाजी साहब बहादुर ही नहीं बल्कि उसके साथ वो रहमदिली में भी मशहूर हैं। वो अपने इंसाफ की वजह से मशहूर हैं और अदल की वजह से भी, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आप यहाँ हैं तो उस्मान क्यों जा रहा है? तजुर्बा तो आपका ज्यादा है, आप बहादुर भी बहुत हैं, ये सच नहीं? अक्ल और मोहर अर्तुरुल भाई के पास है, वो सबसे बेहतर जानते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे, जरा ये टमाटर तो दिखाना। मुझे दिखाइएगा, बहुत मेहरबानी।
अर्तुरुल साहब आ रहे हैं। मेरे बाबा जान, पापा जान, खुश आमदीद पापा। खुशी हुई मिलकर। खुश आमदीद भाई जान, खुश आमदीद। मैंने तुम सबको बहुत याद किया। शुक्रिया मेरे भाई। मोहतरम, उस्मान कहाँ है? उस्मान नजर नहीं आ रहा। उस्मान को आपने वहां नहीं बुलाया था? क्या कह रहे हो तुंदार? कहां है उस्मान? क्या उस्मान आपसे मिला नहीं बाबा? तुमने ऐसा क्यों कहा कुंदूस? वो कह रहा है यहाँ? भाई, यावला हसन के सबसे करीबी आदमी कोजगुन साहब कल यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि आपने उस्मान को वहां बुलाया है। ये तो कोई नहीं जानता था कि मैं यहां आ रहा हूं।
राज से पर्दा उठ गया, उठ गया है राज से पर्दा। काबिल ने हाबिल को अपने हाथ से मार दिया। रोते रहे बाबा आदम, वो दरिया की तरह रोए, जारो जार रोए। तूफान आने लगे हर तरफ तूफान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जजीरे बन गए। तूफान में एक आवाज आई, मुझे अपना हाथ दो, मुझसे दूर तुम वहां क्यों खड़े हो बेटा, अपना हाथ दो मुझे, बाबा को परेशान मत करो, हाथ दो बेटा। देखो बाबा नू तुम्हें बुला रहे हैं, हिदायत देना चाहता हूं तुम्हें बेटा, आ जाओ मेरे पास, नहीं करो परेशान अपने बाबा को, ये लहरें तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, आ जाओ। हाथ नहीं दिया उसने, तंदूर पानी से उबलना शुरू हुआ, समंदर में तुगयानी आ गई, हजरत नूह और दीगर मोमिनीन के साथ चरिंद परिंद हसरात सबका जोड़ा कश्ती में था। इश्क बचा, ईमान बचा, बाकी सब तबाह हो गया। बर्बाद हो गया। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम दाऊद उस्ताद। सामान ले आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने फिर महार दिखाई है। बहुत शुक्रिया। आपके हाथ सलामत रहें। क्या आपके पास कोई आपचा है? तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है बेटा। ये लो। शुक्रिया बेटा। अल्लाह कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। दरअसल इसके बाबा काफिरों के साथ जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए और हमें भी उन जैसा बनाए। आमीन। दरवेश साहब आइए, हम आपको कुछ पेश करते हैं। शुक्रिया, मैं खा चुका हूं। अहमद, चलो खाना खाते हैं।
अहमद। खुश आमदीद हुजूर। अर्तुरुल साहब कहाँ है? अंदर इंतजार कर रहे हैं। भाई मैं घोड़ों को बांधता हूं, आप अपने बाबा के पास जाएं। ए शुक्रिया। इजाजत दीजिए मुझे हुजूर। यावला करसलान एक तवील अरसे से मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने मेरा भी नहीं पूछा। अगर इसमें वो मुलव्वस है तो अफसोस है उस पर। अगर उसको जाल में फंसाया गया है तो तमाम तुर्कों के लिए अफसोस का मकाम है। हुजूर, वो इतना नहीं गिर सकता कि हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाए, क्योंकि उसकी बहन मेरी बीवी है। तवील रास्तों ने, बरसों की मुसीबतों और जालिम दुश्मनों ने, लगता है तुम्हें कुछ नहीं सिखाया दुंदार। गजल के साथ तुम्हारी सुलह कब हुई? गर्मियों के आगाज में हुजूर,
जहरा ने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज करके गजल मफाहमत के पेश नजर कबीले वापस आ गई। बाबा हम वक्त जाया कर रहे हैं। मेरा मतलब है इजाजत दीजिए, उसे तलाश करते हैं। तकदीर इंसान को मौत से बचाती है। मौत अगर मुकद्दर न हुई तो उस्मान सबको शिकस्त देकर आएगा। फिक्र मत करो। दुंदार, ये खेल है दुंदार, बहुत बड़ा खेल। हम उनकी चालें उन्हीं पर उल्टा देंगे इंशाअल्लाह। हमें पहले चाबी तलाश करनी है। कैसी चाबी बाबा? ऐसी चाबी जो सांपों के बिलों को खोल देगी। हम वो चाबी ढूंढकर उन लोगों के गले घोंट देंगे। दुंदार, तुम्हारे अंदर यह बर्दाश्त करने की हिम्मत और दिल है? आपके लिए मेरी जान कुर्बान हुजूर। गजल, गजल, अपने शौहर के करीब आओ। दुंदार, गजल को गिरफ्तार कर लो। इसे पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ सिपाही। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अर्तुरुल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? गुंदुस, तुम रवाना हो जाओ। वो घात लगाकर हमला कर सकते हैं। अपना रास्ता बदल कर जाना। जैसे आपका हुक्म। तो ये भी मुकद्दर में लिखा था। जिस अर्तुरुल साहब पे मुझे भरोसा था, उन्होंने एक ही लम्हे में मुझे मिटा दिया। तुरुल साहब ने सिर्फ उस्मान साहब को बुलाया है, मुझे यही हुक्म मिला है। सरदारों के सरदार याउलक अरसलान उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी के साथ कुलुजा हिसार को फतह किया। गद्दार झूठे, मरोगे मेरे हाथों।
किसका पट्टा है? हाँ, किसका पट्टा है गले में? तुम चाल में फंस गए उस्मान, मजामत ना करना। याद रखना, तुमने गद्दारी की है और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। बाबा कहाँ है? कहाँ है उस्मान? अर्तुरुल का मासूम बेटा उस्मान। क्या ये मजबूत होंगे तमीर जी, बताएं? अगर इन तलवारों ने हमें मायूस किया तो इसी आग में आपको झोंक कर जला दूंगा, याद रखिएगा ये। अगर तुम रवाना हुए और सुराग ना लगा सके और उस्मान साहब को वापस ना ला सके तो मैं ये आग तुम्हारे सीने में भर दूंगा, याद रखना। कोई मसला है क्या? पता नहीं। कोई गड़बड़ है जरूर। अगर तो हिम्मत है तो जान से मार दो मुझे, वरना मैं जान ले लूंगा तुम सबकी। फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द मरोगे। किसके आदमी हो? किसके आदमी हो तुम? ये तजस्सुस अच्छा है उस्मान, तुम देख लोगे। हमारा रास्ता तवील है। बांधो इसे। पकड़ो इसे। अगर आप कुछ जानते हैं तो मुझे भी बताइए। इससे पहले कि मेरे अंदर जालिम शुभात मुझे बर्बाद कर दें, मुझे बताइए। उस्मान तुम्हारा सबसे छोटा भतीजा है। हमारी रिवायत में अक्ल और उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। हजारों कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद मैं जिस कबीले को इन सरजमीनों पर लाया वो खत्म होने के करीब है। बोलो आखिर क्यों? मुझे माफ कर दें भाई, माफ कर दें। तुमने अपने तकब्बुर को शिकस्त दे दी या अकलमंदी से सोचना शुरू कर दिया? शैतान मुझ पर हावी हो गया था, मैंने तौबा की और माफी मांगी। शुक्र है फिर। अब तुम सोच जाओ तुंदार, कुछ वक्त के लिए तुम उनकी कयादत करोगे। मेरा अगला हुक्म आने तक यहां मत आना। जाने से पहले मुझे गजल से मिलने दें।
मैं रवाना होता हूं। बुजदिल इंसान, तुम्हारा निशाना यहां होना चाहिए था। उस्मान भाई, मैं आ गया हूं भाई। गुप्तुक भाई, भाई आप तो जख्मी हैं। मेरे भाई, धोखे से बुलाया गया है यहाँ। आखिर कहाँ जा सकते हैं वो? जाओ तलाश करो उन्हें। वो आ रहे हैं, चलो। आप ठीक है? उठे भाई, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। भाई चले, आप बुरी तरह जख्मी है, आ जाए जल्दी करें भाई, आ जाए जल्दी। लानत हो तुम पर, तुम्हारी मौत आ रही है उस्मान। अजीम कैसर, इस ओहदे पर मेरी पहली सुबह है। सारी रात खुशी से सो नहीं सका, बहुत काम है हमें। सबसे पहले मुझे कले से शुरू करना है। लोग उदास हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। अगर मैंने सिपाहियों को अपने ख्वाब सच करके ना दिखाए तो सब बेकार हो जाएगा। यह मैंने आपसे सीखा है। मेरे पास मार्कोस एंटोनियस बनने के लिए एक मददगार भी है, जिसका नाम फलातियोस है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे उससे। हाँ, यह रहा वो आदमी, फलातियोस। अजीम कैसर, आपकी इजाजत के साथ। उम्मीद है कि अच्छी खबर लाए होगे फलातियोस। इतनी जल्दी भी क्या है निकोला? क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने लोगों को फतह का मजा चखाना चाहता हूं। अलामत जाहिर होना शुरू हो गई हैं। नाश्ता तैयार है जनाब। ये मजेदार है। तुमने सुना,
ये मुझे पसंद है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान जासूसों की वजह से हुआ। वो उड़ती आग कब आएगी फलातियोस? कल तक मुतवक्के है निकोला। गाय कबीला चलकर राख हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। भाई मुझे यहीं रुकने दे, मैं शहीद होकर अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हाँ, हम जो करेंगे मिलकर करेंगे मेरे भाई। मेरे शहीद भाई की खातिर आप चले जाएं, जाएं। भागने ना पाए। गोक्तोग, गोक्तोग। बांधो इसे जल्दी, बाकी मेरे साथ आओ। चलो अर्तुरुल साहब आए और छा गए। वो देखो परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो एक अजीम इंसान है, इंशाल्लाह वो अपने बेटे उस्मान का गम नहीं देखेंगे। खैर की बात करो, खैर की बात। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किस वजह से आ रहे हैं? परेशान कर रखा है, जब देखो आ जाते हैं। इनको हमसे क्या लेना है? तुम्हें गोथक जंग का पता है फलातियोस? नहीं जानता। जो शख्स तारीख नहीं जानता वो सिपाही हो सकता है क्या? शाम को याद करवाना, तुम्हें गौतक के साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में बताऊंगा। क्या यह जरूरी है? मालूम होने पर मैं अर्तुरुल का सर कलम कर सकूंगा। जो तारीख नहीं जानता वो फतह का मजा नहीं चख सकता। फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं। इतनी जंगें हार कर, इतने सिपाही मरवा कर अभी भी इस तरह आ रहे हैं। देखो जरा, वो देखो फिर आ गए। क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम लोग अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। ये बहुत बड़ा एजाज है फलातियोस। हम उस्मान से मुआहिदे के लिए आए और अर्तुरुल साहब से सामना हुआ। अगर आप इन सरजमीनों में तकफोर बनने के तालिब हैं तो फिर रस्ते में कौन मिलेगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीहत के लिए, आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत से कम नहीं। क्या तुम्हें अपने कैदी चाहिए? हमें अपने शहरी चाहिए। आप क्या लाए हैं?
इस सोने के बदले हम अपने जानवर भी न दें। एक जंगजू से लेकर ताजिर तक सबके मिजाज को समझता हूं। मैं रहम खाने वाले अर्तुरुल साहब से मुआहिदा करना चाहता हूं। जालिमों पर रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर दिया। अगर ये दुगना ना हुआ तो कल तुम्हें कैदियों के सर भिजवा दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, क्या इस्लाम की यही अकदार है? हमारी अकदार का शुक्र करो, वरना उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर देता। वैसे उस्मान कहाँ है? सर उतार रहा है। आप जो चाहते हैं वो कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ईशा की अजान से पहले होने का वक्त आ गया है। हम अमन की उम्मीद करते हैं अर्तुरुल साहब। एलेक्सिस ने जो ताल्लुकात खराब किए हम वो बहाल करना चाहते हैं। कुस्तुंतुनिया में सूरत हाल कैसी है? क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? दोनों अतराफ जो अमवात हुई उनके लिए परेशान थे। अपने शहंशाह को बताओ कि वो पोम्पियो के साथ कैसर की जंग याद रखे, ये उसके काम आएगी। क्या ये बकरी का दूध है? हाँ वही है, नोश फरमाए। ऐसा क्यों किया निकोला? फलातियोस,
मेरे बाबा के कातिल के सामने झुककर उसे खराज अकीदत पेश किया, उसकी तारीफ की। हलासियोस, मेरा मकसद सिर्फ कोंदोस के करीब होना था, खबरदार करना था कि कोलो जाए सार या फिर जंग। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था, क्या तवक्को कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अर्तुरुल के आने से हम पीछे हट जाएंगे? फलातियोस, जवाब दो। कई बरस कबल अर्तुरुल काराजेसार के तकफोर को मारने जा रहा था, मेरे बाबा उसको बचाने के लिए उसके सामने आ गए। वो लड़ते रहे और मैं अकेले में छुपकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने देखा कि मेरे बाबा किले की हिफाजत के लिए कैसे लड़े। अपने हर वार के साथ वो मेरे बाबा के जख्मों को गहरा करता गया। वो जख्म जैसे मेरे जिस्म पर लग रहे थे। मैं चीखना चाहता था, मैं अपने बाबा की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। मैं ये नहीं कर सका निकोला, नहीं कर सका। मेरे बाबा को जो जरबें लगी वो उससे घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखें मुझे हर लम्हा परेशान करती हैं। फिर वो अर्तुरुल की तरफ मुड़े और कहा, ये न समझो कि तुम जीत गए अर्तुरुल साहब, जंग तो अभी शुरू हुई है। लेकिन अर्तुरुल की वो तंजिया मुस्कुराहट मैं अपने बाबा को हर रात ख्वाब में मरते देखता हूं, हर रात। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बाबा और हमारे भाइयों के खून का एक कतरा भी जाया नहीं जाने दूंगा। चूहों की तरह बिलों में छुपते फिरेंगे वो, शेरों की तरह हम उन्हें चीर फाड़ देंगे। ये मत सोचो मेरे भाई कि हम हार गए, जंग तो अभी शुरू हुई है फलातियोस। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये सामान कहाँ पर रखना है? यहाँ रख दो बेटी। सामान उतार दो और यहाँ रख दो। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया हसन चचा। ये चूहा कैसे मरा चचा? चूहे बहुत हो गए यहाँ, हर जगह मरे हुए चूहे नजर आते हैं। रुको, हाथ मत लगाना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई इससे हाथ नहीं लगाएगा। या अल्लाह, मेरा अंदेशा कहीं दुरुस्त ना निकले। जाने मत देना, इतने सारे चूहे, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। मारो इन्हें। कहां से आ गई है? मारो, पकड़ो। भागने मत दो, मार डालो सबको। मारो, मारो इन्हें, मारो। के खानों का जवाब नहीं,
मैं अक्सर यही खाना खाता हूँ। गजल जुनूनी हो गई है। उसके रिहा होने के बाद उसके गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा मुझे। सालतोक, एक अच्छा कारीगर देखो और खूबसूरत सा कड़ा बनवाओ। जो हुक्म हुजूर। एक अहम बात करनी है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बेटी? बात ही ऐसी है, सोत में चूहों की बहुतात हो गई है। अच्छा है, तो सांप पेट भर कर खाएंगे। रोटी लेकर आओ। दुंदार साहब, ज्यादातर चूहे मरे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं उनमें कोई वबा ना हो। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सालतुक, फौरी तौर पर लोगों को जमा करो, इससे पहले कि ये मुसीबत बने हल तलाश कर लेते हैं। जनाब, आप सफर से थके होंगे। मैंने सुना है आपको तुर्क पकवान पसंद है, थोड़ा सा खा लें। सरदार अपने दस्तरखान पर अकेले नहीं खाते, बरकत चली जाती है। दो शख्सियात अंदर आने के मुंतजर हैं। वो कौन हैं? दरअसल आज मैंने दाऊद साहब और इदरीस साहब को आपके साथ खाने की दावत दी है जनाब। वो ही क्यों? मैं समझती हूँ कि दाऊ साहब इन सरजमीनों की ताकत और जवानों को जानते हैं और इदरीस साहब हवातीन की बर्तन बनाने की महारत को जानते हैं। फिर मैं तुम्हें एक फर्ज सौंपता हूँ। मेरी सर आंखों पर जनाब। गजल का मुंह खुलवाओ, उसे जो मालूम है पता करो। आए तशरीफ रखें। तुम कौन हो अजनबी? तुमने यहां किसी तुर्क को देखा है? क्या तुम जानते हो? अगर जानते भी हो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो जिनकी खाल आग में जलती है
वो जिनके बिस्तर जल के राख हो गए। तुम्हारे मुंह नहीं लगना मुझे। चल चल मेरे घोड़े चल। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? चलो। चलता क्यों नहीं? तुम इसका मजा चखोगे। अल्लाह गवाह है कि एक दिन तुम इसका मजा जरूर चखोगे। तुम पीप से भरा खोलता हुआ पानी पियोगे। तुम जहरीला फल जकूम शैतान के साथ मिलकर खाओगे। रुक जाए हुजूर, ये अल्लाह का वली लगता है, कोई मुश्किल ना हो जाए। अगर तुम्हें दोबारा यहां देखा तुम्हारी जान ले लूंगा। मौत बरहक है, बरहक है मौत। सबने एक दिन मरना है। हाँ, चलो तेज चलो। तो ये फरीजा मेरी प्यारी बेटी बाला को सौंपा गया है। हाँ जहरा, जब सबको जहर देकर मेरी शादी को खून में नहलाने लगी थी उस वक्त आपने खिजर की तरह बचा लिया सबको। अल्लाह का शुक्र है। दरअसल बात यह है कि हमें और भी बहुत सी बातें करनी थी। उस्मान बहादुर हैं, उन्हें कामयाबी से प्यार है, जब भी बहुत से लोग उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। तुम बिल्कुल अपने शौहर की तरह भोली हो, जिसे ये भी नहीं पता कि क्या पूछना चाहिए और क्या कहना है, जिसका दिलो दिमाग आपस में उलझा हुआ है ना मेरी प्यारी बच्ची, जो अजीम अर्तुरुल साहब के दिए गए बोझ तले दबी हुई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर उस्मान जहर से मर जाता और मैं जहरा को बाद में मार देती तो मैं एक तीर से दो शिकार कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ऐसा भी होता है कि जो चीज आपको आज दिखने में सफेद लग रही है कल आप उसे काला कह दें। क्या इस गुजरे वक्त ने आपकी फितरत तब्दील कर दी है हसल खातून? अब मेरे सामने एक तुर्क कबीले और तुर्क रिवायात रखने वाली एक तुर्क खातून खड़ी है। बाला, मेरी प्यारी बच्ची,
मैं चोबानो लारी से आई हूं। अगर मुझे इक्तदार की हवस होती तो मैं दुंदार को, अपने दुंदार को और इस पूरे कबीले को आग लगा देती जब उन्होंने दूसरी शादी की थी। ठीक है, खाना भेजती हूं आपके लिए। शुक्रिया। मेरी तुमसे एक ख्वाहिश है। अर्तुरुल साहब को बताना कि उनकी तरफ से जो भी होगा मुझे कबूल है। लेकिन उन्होंने मुझे इस पिंजरे में डाला और मुझ पर उस्मान को जाल में फंसाने का इल्जाम लगाया। अब गजल जीते जी मर चुकी है। हमारे कबीले में जिंदगी लौट आई है हुजूर, आपको यहाँ पर देखकर। अब ये लोहार, लोहार दाऊद लोहे को जबान लगा देगा। मेरे सिपाही, आप लोगों को कैसे लगे? लड़ लड़ कर उनके बाजू में मजबूती और दिलों में ताकत आ गई है। उस्मान इन सिपाहियों की एक ताकत है। जब आप यहाँ नहीं थे तो हम बहुत सी मुश्किलों से गुजरे। हम लोग मौत को छू कर वापिस आए। उस्मान, दुंदार और कुंदूस कभी मुत्तहद होकर खड़े ना हो सके। वो फितनों के समुंदर में डूबे हुए थे। अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया, वरना पता नहीं क्या होता। सरदार का खेमा है, यहाँ दिल और दिमाग बोलेंगे। ये बताओ कि हमारी बहनें क्या कर रही हैं? उनके हाथ कालीन बुनते हैं और उनके दिल घर बनाते हैं। दस्तखान नेमतों से भरे हुए हैं। बच्चे बच्चियां सब यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ कोई मर्द ऐसा है जो खातून पर हाथ उठाता हो और जालिम हो? कसम से हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। सुनकर खुशी हुई। माफी चाहता हूँ, लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद आप इस खबर पे क्यों खुश हुए? कितनी ही परेशानी हो, हम दुश्मन के घुटने टेक सकते हैं, लेकिन अगर हमारा घर टूट जाता है तो हमारे मर्द और ख्वातीन अपने फराइज भुलाकर खुद को शैतान के हवाले कर देते हैं। कितने शर्म की बात है। बरकतें घर के लोगों की तरफ से आती हैं। कौम जो घर वालों की हिफाजत नहीं कर सकती, अपना मुस्तकबिल खो देती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हिफाजत करे हमारी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हुजूर, हमने उस्मान साहब के बारे में सुना है। पता नहीं ये किन गीदड़ों की हरकत है। कुत्तों के काम ऐसे ही होते हैं। जहां तक उस्मान की बात है, वो मेरा खून है। वो उनको जहन्नुम रसीद कर देगा, मुझे इसमें जरा शक नहीं है। मेरा रब नेक लोगों के साथ है। इंशाल्लाह। चले गया वो? कहीं उस आदमी ने तो नहीं छुपा दिया उसे? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो इसी जंगल में कहीं छुपे हैं। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते उस्मान, हम वापस जा रहे हैं। चलो। आ, 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 आ,
तुम कहां दफन हो गए उस्मान? यहां हर पत्थर के नीचे देखो उसे। उस्मान को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। माफी चाहता हूँ, अब इसको किसके पास लेके जा रहे हैं? ये इतना अहम क्यों है? हुक्म मिला है हमें इसलिए, अगर हम उसे ढूंढकर अपने सरदार के हवाले नहीं करेंगे तो वो हमें जिंदा खा जाएंगे। हेल जाओ, ये पूरा जंगल छान मारो, उसे ढूंढे बगैर हम सरदार का सामना नहीं करेंगे, समझ गए? तुम मुझसे भाग नहीं सकते उस्मान। ए मेरी प्यारी आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने वाली आग, हमारे दर्द का दरमान बन जा। चले सरदार के बेटे, आपको ये दर्द सहना होगा। नौजवान, मुझे बताइए आपने किस गीदड़ के बिल को तोड़ा है? या हय्यू या कय्यूम। या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। इसके कपड़े बाबा की तरह हैं, वैसी ही पगड़ी, वैसी ही अंगूठी। क्या हुआ था यहां? कोसकोन, उसी ने ये जाल बिछाया, वो भी यहीं था। उस्मान कहां है? भाई जिंदा है लेकिन जख्मी है। इन लोगों ने मुझे लड़ाई के बाद पकड़ लिया, इसलिए मैं भाई का पीछा नहीं कर सका। वो उस्मान साहब की मजबूती को जानता होगा, इसलिए उसने ये मंसूबा बंदी की। कोसगोन अपने आदमियों के साथ भाई के पीछे गया है, हमें फौरन निकलना होगा। गुंदूज साहब, अगर इसमें यवलाकर सलान मुलव्विस हुआ तो बाबा मंगोलों और बाजंतीनों के बाद तीसरा महास खोलने से तरेख नहीं करेंगे। हम इसी वक्त उस्मान को तलाश करेंगे और कबीले वापस जाएंगे। तुम ठीक हो? जी भाई। चलो सिपाही, हम रवाना होंगे। चलो 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 मेरे भाई, चलो। हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
हमने पहाड़ में पना ले ली है बेटे, हम महफूज हैं। मैं गाजी तो नहीं हूं लेकिन तदबीर करना जानता हूं। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज रहेगी। ये जिंदगी आपकी है कब? ए शुक्रिया, मुझे कैसे जानते हैं? अगर मैं आपको ना जानता तो मेरी आंखें और मेरे ये कान, मेरी पीठ पर ये खाल मुझसे नाराज ना हो जाए। ये हड्डियों का शोरबा है, इससे आपको ताकत मिलेगी। गीदड़ों ने जाल बिछाया था लेकिन आप जाल में नहीं फंसे। कबीले तक खबर पहुंचाना होगी। आपको इतनी जल्दी क्यों है बाबा? बाबा हो सकता है किसी मुसीबत में हो, यावलक कबीले पर हमला कर सकता है। रुक जाइए, वो फिर से आपके लिए जाल बिछाएंगे और हमला करेंगे। शैतान का यही काम होता है। अगर आपके कबीले में जवान मौजूद हैं तो शैतान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होगा। पहले आप अपनी कुव्वत को बहाल करें। क्या मेरा जख्म गहरा है? मजनू के जख्म से ज्यादा नहीं। आपको मजनू के जख्म का कैसे पता? आपकी तरह मैंने उसका भी इलाज किया है। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? जैसे मर्जी। मजनू से पूछूंगा मैं। वो क्यों? क्योंकि उसे कबीलों से बचाया था मैंने। अच्छा, तो आप भी एक आशिक हैं, और आशिक कुछ भी कर सकते हैं। मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर की तरह है। गद्दार कहीं का, वो जरूर हमें ढूंढ रहा होगा। आज नहीं तो कल हम तक पहुंच ही जाएगा। मैं एक जंगजू तो नहीं, लेकिन आपको उनका शिकार नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं बगलों से कहूं कि वो तैयार रहें। शुक्रिया, हम उनका शिकार करेंगे। माफी चाहता हूं। जी जनाब, ये कितने का है? बहुत सस्ता है। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका। यसु मसीह की खातिर, क्या हमारे गिरजाघर के लिए जैतून का तेल तैयार है? जी, खास तौर पे आपके लिए तैयार किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अपने बाबा को मेरा सलाम कहना, खुदावंद उनकी मदद करे। आपकी भी राहिब, आपकी भी। आपको क्या चाहिए?
ये अंजीर तो शहद की तरह मीठी है। तुम्हारा इनाम ये लो। अब ये लो बेटा और तिजारत जारी रखो। चलो अपने अपने काम से लग जाओ। आप महल में अपने बाबा की बावर्ची खाने में मदद क्यों नहीं करती? मैं महल की दीवारों में कैद नहीं रह सकती जनाब। आपका अंदाज पसंद आया। आपके जैतून अच्छे हैं। मैं सिर्फ इस बाजार में ही नहीं हर जगह फरोख करती हूँ जनाब। तुर्क महसूल का पांचवा हिस्सा अदा करते हैं जबकि आप तीसरा अदा करती हैं। इसीलिए हमारे लोग तुर्कों के साथ खरीदारी करना पसंद करते हैं। हमने हमेशा से लोगों के मयार का ख्याल रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, वो कभी धोखा नहीं देते हैं। हम किसी मिलावट के बगैर अपने काम को अंजाम देते हैं। थोड़ा हट के चलें। ये आप पे अच्छा लग रहा है। गौर के लोगों, गौर से सुन लो। तुम्हारे साबिका तेकफोर और उनके मगरूर कमांडरों ने तुम लोगों को बहुत अजियतें दी। उन्होंने तुम्हें तुर्कों के सपोर्ट कर दिया। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच है ये। आज के बाद हमारे बहन भाइयों को दुश्मनों के सपोर्ट हरगिज़ नहीं किया जाएगा। सबसे पहले एनिगोल में महसूलात को पांचवें हिस्से तक गिराया जाता है। जिंदाबाद। खुश रहे आप। हम आपके ही मुंतजिर थे। हमें आप जैसा ही रहनुमा चाहिए था। अब सब अपने कामों पर लौट जाएं और खूब मेहनत करें। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी ही आमदनी। कभी भी ये मत भूलना कि इन तमाम सरजमीनों के असल मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। सबके साथ इंसाफ होगा। हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुए हैं। जिंदाबाद। आप खुश रहे। आबाद रहे। आपका जवाब नहीं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आबाद रहे आप। अच्छी चाल चली। तुर्कों को उनके ही हथियार से वार किया। कोई चाल नहीं, सच है। हम अपने मुसीबत ज्यादा लोगों के लिए लड़ रहे हैं फलातियुस, और ये तो अभी शुरुआत है। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इकट्ठा रखा। अल्लाह हमें आखिरत में भी इकट्ठा रखे। आमीन आमीन आमीन। लगता है तुम्हें आखिरत की बहुत जल्दी है। ये हमारी खाना बदोश रूह में है। उस्मान से मिला था मैं। हाँ, उसकी रगों में पागल घोड़े दौड़ते हैं। और साउची कैसा है? ज्यादा मोहतात, ज्यादा होशियार। अच्छी बात है। साउची के बारे में ज्यादा सोचते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 3 बच्चे अता किए। बाप का दिल उनके दरमियान फर्क नहीं करना चाहता। और सरदार के बारे में? ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। सबसे ताकतवर जीतेगा, जुनूनी मजबूत होगा और सबसे बहादुर की सबसे ज्यादा इज्जत होगी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा अर्तुरुल।
दुनिया के क्या हालात हैं? दुनिया धूल में लिपटी है। सुरंग के आखिर में एक किरण है रोशनी की। मंगोल फौज में जो बीज हमने बोए थे वो खिल गए हैं, अब आपस में लड़ रहे हैं। हमें इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अनातोलिया को बचाते हैं तो तुर्किस्तान की सरजमीन उभरेगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कल का ख्वाब देखेंगे। पहले ख्वाब देखो, फिर उस पर अमल करो। ये सच है। तुम्हारे बाद भी फतह का ये सिलसिला जारी रहे। आज हम यहां हैं, लेकिन एक दिन हम नहीं होंगे। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम्हारे बाद सरदारी का मनसब कौन संभालेगा। अब एक और इम्तिहान है तुम्हारा, समझ रहे हो अर्तुरुल? माशाल्लाह, ये अहमद को कितना चस्ता है। बाला खातून, शहीद हमेशा जिंदा होते हैं ना? ठीक कहा तुमने। फिर तो मेरे बाबा मरे नहीं, जिंदा हैं। तो उन्हें कहे ना कि यहाँ कबीले आए। अहमद मेरी जान, अब वो यहाँ नहीं आ सकते। हम उनके पास जाएंगे। तो फिर चले उनके पास। अहमद अभी नहीं, इधर आओ बैठो। चूंकि वो शहीद हैं, इसलिए वो एक बहुत आला मकाम पर हैं। और उनसे अगर मिलना है तुम्हें तो इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। क्या उनका मकाम सरदार से भी ऊंचा है? सुल्तान से भी ऊंचा है, एक सुल्तान से भी। हाँ, वो इस वक्त रसूल पाक के साथ हैं। तो अगर अपने बाबा से मिलने की ख्वाहिश है तुम्हारे दिल में, तो उनकी तरह बहादुर बनना होगा। गुंचा खातून, अभी तक सोई नहीं तुम अहमद? हम बाबा के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने बाबा से मिल सकता हूँ? अहमद, ये देखो तुम्हारे लिए, अच्छा है ना? बाला, सोत में वबा फूट पड़ने का इम्कान है। मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। ए अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? जनाब, अर्तुरुल साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? अंदर हैं आप? अर्तुरुल साहब, सिपाहियों, हुजूर कहाँ है? वो खैमे में ही थे। क्या तुम सो रहे हो? कहाँ चले गए वो आखिर? वो यहाँ से बाहर नहीं गए। तो फिर वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? हर जगह तलाश करो और किसी को बताना मत।
ख्वाबों में भी कोई आराम नहीं। अब अपने सीने से दरख्त को बाहर निकाले उस्मान साहब, आपने बहुत मजामत की। राज से पर्दा उठ गया, उठ गया पर्दा राज से, यूसुफ के ख्वाब से पर्दा उठ गया। हर किसी को ऐसे ख्वाब नहीं आते, ख्वाबों में दुनिया की हिकमत छुपी है। सुने जवान, यूसुफ ने ख्वाब देखा और उनके बाबा याकूब ने सुना, आसमान के तारे और जलता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद, यूसुफ को सजदा करते हैं। बाबा समझ गए और उन्हें अंदेशे हुए। कोई नहीं जानता था कि याकूब को क्या अंदेशे हो रहे हैं। सूरज चांद सितारों को इताअत करना थी बिलाखिर, लेकिन ये राह इतनी आसान ना थी। अभी तो यूसुफ को कुएं में फेंका जाना था, बाजार में बेचा जाना था, जिंदान में डाला जाना था, उसके बाद ताबीर का जहूर होना था। उस्मान साहब, आप खुश हैं कि आपने ख्वाब देखा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपको क्या क्या सहना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं मालूम। इंसान एक ख्वाब की तरह है, अगर ख्वाब देख लिया है तो समझो इश्क के समंदर में खून आलूद हो गया हूं, उस सफर को रवाना हो गया हूं। आजमाइश खूबसूरत होगी, इनाम हसीन होगा। या हय्यू या कय्यूम। सब खैर होगी इंशाल्लाह। कबीले पर बरकतें उतर रही हैं। लगता है तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सोना होगा। बिल्कुल दाऊद उस्ताद, लेकिन ये हलाल हो। वो देखो कौन आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का सलामत रहे आप, आबाद रहे। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहे। जिनका इंतजार था वो आ रहे हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश रहे आप। खुश आमदीद। आबाद रहे आप। सलामत रहे आप। खुश रहे आप। आबाद रहे आप। खुश आमदीद। अल्लाह खुश रखे। शामदीप, आपकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी हमने। आप बाला खातून हैं? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने मुझे। मैं बाला खातून हूँ, बीवी हूँ उस्मान की। मुझे खुशी है कि उस्मान साहब ने इतनी हसीन और रिवायतों वाली दुल्हन मुंतखब की है। आप लंबा सफर तय करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए मशरूब लाती हूँ, आए चले। बाबा, उस्मान और चाचा जान कहाँ हैं? मैं बताती हूँ साउची साहब, आइए अंदर चले। बाबा
सब मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आप क्या छुपा रहे हैं? हुजूर, मुझे जरूरी काम याद आ गया है, इजाजत दें। कबीले में क्या हुआ बाला खातून? उस्मान। क्या हुआ मेरे भाई को? बताएं खातून, क्या हुआ? हमें कोई घोड़ा ढूंढना होगा। घोड़े का मतलब मुराद है जवान, और मुराद को पूरा करना एक बड़ा काम है। कितना सफर और बाकी है? क्यों, घोड़े के बगैर चलना मुश्किल लग रहा है? घोड़े तुर्क के पंख होते हैं, क्या परिंदा बगैर पंख के उड़ सकता है? नहीं कर सकता। दुलदुल मरने वाली थी, वो अली के बगैर सांस नहीं लेती थी, अली भी उसके बगैर नहीं चलते थे। जानता हूं मैं कि हम अली के पैरों की खाक भी नहीं है। क्या हमारा रास्ता भी वही नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मुझे बताओ क्या हम उनके रास्ते पर चलने के लायक हैं? दरवेश जब घोड़े पर सवार होकर तलवार नहीं चला सकते तो वो उल्लू की तरह गाते हैं, हर तरफ दर्द ही दर्द। उस्मान साहब, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको हमारा दर्द भी सुनना होगा। आपकी तरफ से आए हुए दर्द से मुझे कोई मसला नहीं है। हुजूर, माशाल्लाह हुजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर, 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 अल्लाह का शुक्र है हुजूर, हम ऐसे आकर मिले हैं जैसे चूटियां आकर मिलती हैं। अब्दुल रहमान गाजी, चाहे हमारे जिस्म एक दूसरे से दूर हों, हमारी खुशबुएं रहती हैं और ये खुशबू हमें हमेशा मिलाती रहेगी। ठीक कहा हुजूर, तुम फिक्र न करो। शुक्र है कि आपको ठीक ठाक देख रहा हूँ। जब तक आप हमारे साथ हैं हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। ये बताएं, आपकी सेहत कैसी है? अमानत संभाल रहा हूं और शुक्रगुजार रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे राजी है या नहीं। मुझे इसके बारे में बताया गया था, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे पता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी बहादुरी के किस्से और तुम्हारी कुर्बानियां हर जगह बताए जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बबसी के बारे में बताओ मुझे,
उसने अपना काम पूरा कर दिया है। वो आपके हुक्म पर रवाना होने के लिए तैयार है। और सलजान खातून? सलजान खातून, उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों से हर किस्म की जड़ी बूटियां अपनी बीमारी के तदारुक के लिए इकट्ठी कर रखी हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जहां हमारी बात हुई थी उसी मुकाम पर मिलना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। इस तरफ गए हैं वो। पीछा करो उनका। चलो मेरे शेरो। मेरे यार, मेरे बेटे, खाओ ना मेरे यार, ताकतवर हो जाओ, जंग करीब है। बहुत जल्द तमाम कबाइल तुम्हारे कारनामे सुनेंगे। अर्तुरुल साहब आ रहे हैं हुजूर। मेरे यार, बूढ़ा भेड़िया आ रहा है, हिफाजत करनी होगी तुम्हारी, इसे ले जाओ। किसके साथ आ रहा है अर्तुरुल? वो अकेले आ रहे हैं। सरताज, कितना खूबसूरत हूं ना मैं। बनाने वाले का शुक्र है हुजूर। तन्हा भेड़िए, आ जाओ। खुश आमदीद हुजूर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल साहब, अगर आप मुझे अपनी आमद का बता देते तो मैं शिकार के मैदान में नहीं बल्कि अपने खैमे में मिलता आपसे। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अगर हमें मालूम ना हो कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। काई कबीला कैसा है? मेरी बहन गजल, मेरे बहनों इदुंदार साहब, उम्मीद है वो सब के सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। क्या तुम्हारा खेमा बड़ा है? चलकर देख लीजिए। खाने को कुछ है?
मेरे पास से कोई मेहमान भूखा नहीं जाता। मेहमान को बाहर खड़ा रखते हो? खुशामदीद अर्तुरुल साहब, ये खैमा आपका मुंतजर है। शैतान ने बड़ा खेल रचाया है। आपके जहन में क्या है साहू जी? कहते हैं हिंदुस्तानियों का एक खेल था, परछाइयों का खेल। सारे लोग उन परछाइयों को देखने में खोए रहते थे जैसे वो हरकत कर रहे हों। उन परछाइयों को हरकत देने वाले हाथ कोई देख नहीं सका। तो आपका मतलब असल चाल उस्मान के लिए नहीं रचाई गई? वो लोग धोखे से मेरे भाई को कबीले से ले गए और बाबा यावलक अरसलान की तरफ चले गए। उन्होंने अपना पहला मकसद हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने कबीले का दिमाग और तवाजुन दोनों को बुरी तरह खराब किया है। तो आपका कहना है कि वो एक और चाल चलेंगे? एक नहीं बल्कि हजार चालें बाला खातून। ना ही मंगोल और ना निकोला शैतान कुछ करे बगैर बैठेगा। आज नहीं तो कल हमला कर सकते हैं। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये शेख अदब अली के दरवेश हैं और उस्मान साहब के अहम कामों में मदद करते हैं उनकी। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। इस मर्तबान में क्या है? अमानत है। क्या लिखा है इसमें साहू जी? क्या बात है? निकोला शैतान पहले ही कार्रवाई कर चुका है। वो बाजंतीन से असला बारूद मंगवा रहा है। वो ये सब इकट्ठा करके फिर हमला करेगा। हमें किसी भी हाल में ये असला उससे लेना होगा।